आखिर ऐसा क्या काम किया था सचिव दिलीप चौहान द्वारा, पूरे गांव के ग्रामीणों द्वारा ढोल डीजे से जुलूस निकाल कर विदाई दी। मामला है पिपलौदा तहसील के गांव हतनारा से, जहां के सचिव दिलीप चौहान के ट्रांसफर पर पूरे गांव वालों ने फूलों से सड़कों को सराबोर कर दिया। पुरुषों की बात तो दूर, महिलाओं और छोटे बच्चों द्वारा भी चौहान का भव्य स्वागत किया गया। गांव वालों ने जानकारी यहां तक आ रही कि सचिव चौहान का ट्रांसफर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हुआ। गांव वालों का कहना है सचिव हतनारा गांव में पहले कभी आया और नहीं अब कभी आएगा। गांव विकास पर चौहान द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता था। गांव के प्रत्येक व्यक्ति की बात को सुनने और समझने वाला व्यक्ति। सचिव चौहान से गांव वालों ने विकास की बहुत उम्मीद लगा रखी थी, जिससे राजनीति के विशेषज्ञ ने गांव की जनता का सपना चकनाचूर कर दिया। और मुझे आप लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग मिला, मान सम्मान मिला, हर छोटे बच्चे हो बड़ा हो सबने सम्मान दिया। और मैंने भी पूरी मेरी कोशिश की मेरी जनता नाराज नहीं हो। भाई सरकार की योजना है, नियम है, आती है जाती है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती, ये सब नियम से बंधे हुए लोग हैं। लेकिन मेरा यह प्रयास रहा कि मेरी पब्लिक मेरे से नाराज नहीं हो। ठीक है, कमी मेरे में भी रहती है, लेकिन मैंने पूरी से पूरी कोशिश की आप लोगों के बीच में आपको संतुष्ट करने की कोशिश की। मैं सुबह प्रतिदिन आपके बीच में 8:30 बजे कहीं से भी आ जाता था, चाहे लाडली बहना हो, कोई सी भी स्कीम हो, मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोग वंचित नहीं रहो। मैंने एक एक घर जाकर आपके फॉर्म भरे। मेरा यही प्रयास रहता है जहाँ भी जाता हूँ कि मेरी जनता मेरे से खुश रहे। बाकी शासन की योजना है, कोई काम आगे होता है कोई पीछे होता है, चलायमान प्रक्रिया है और स्थानांतरण भी चलायमान प्रक्रिया है। मुझे बहुत खुशी और दुख भी रहेगा कि आप लोगों के बीच से मैं जा रहा हूँ, और आप लोगों ने जो आज मेरे को मान सम्मान दिया इसके लिए जीवन पर्यंत मैं आपका ऋणी और आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जावरा से जेपी मालानी की रिपोर्ट।